तो आज उसका बर्थडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बन चुका है, पूरी छोले की सब्जी, खीर, और ये है ज्वार की रोटी वेजिटेबल्स के साथ, और ये पुदीना की चटनी है। और अभी आफ्टरनून हो चुकी है और मेरा लंच बन गया है। मैंने आज लंच में बनाया है चावल, दाल, मेथी, मलाई पनीर, खीर, और मीठी वाली टमाटर की चटनी और भिंडी फ्राई है। तो दाल मैंने 5 6 दाल मिला के बनाया है प्याज टमाटर और मसाले के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और मीठी मलाई पनीर का जो रेसिपी है वो मैंने आप लोगों से शेयर आज नहीं किया, लेकिन मैंने पहले मेरे किसी एक ब्लॉग में शेयर किया था, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो बस आज का यही मेन्यू था लंच के लिए। और दोपहर को हमने देखा कि हमारे बालकनी में एक पीजियन आ गया है, मींस पीजियन का बच्चा है, वो छोटा है काफ़ी। वो और भी 2 पीजियन के साथ आया था और बाकी दोनों उड़ गए, और ये उड़ नहीं पाया और इधर ही रह गया, और ये काफ़ी डर रहा था हम लोगों से, छुप छुप के जा रहा था। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे पीजियंस हैं और वो हमेशा आते ही रहते हैं बालकनी में, बहुत ज़्यादा घोंसला बनाने के लिए। तो अभी शायद उनका सीज़न होगा, तो काफ़ी मेरे सारे बैल्कनीज में आ रहे हैं। तो आज ये बैल्कनी में आए थे, 3 आए थे, और ये छोटा है ना, ये उड़ नहीं पाया, यहीं पे फंस गया है। तो बस हम लोग उसी को देख रहे थे। इसको समझ नहीं आया, इधर ही खड़ा है। चावल खाओगे? शायद मुझे से मुंडी पेट के बैठ गया, मुझे नहीं देखना। तो उसके साथ ही बना के चाहिए। और ये जो पिजन है ये पूरा, मतलब वो दिन हमारे घर पे रह गया, नेक्स्ट डे आफ्टरनून को मैंने इसको उड़ा दिया। ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। मतलब ऐसे ही बैठे हैं रेलिंग पे, और ये इधर स्टूल के पास खड़ा है। ये कैमरा को देख के बात नहीं कर रहा, तब तो आवाज निकल रहा था, पुई पुई करके। तुम लोग ऐसे बोलते हो, मुझे पता ही नहीं था।
और आज का ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को मेरा ड्राइंग रूम का टूर करवा दूं। काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ शेयर नहीं किया, तो इसीलिए मैं एक बार आप लोगों को मेरा ड्राइंग रूम दिखा दे रही हूँ। और आज उसका बर्थडे है, तो इसीलिए मैंने इवनिंग टाइम में ये सारे लाइट्स भी लगाए थे, मींस जलाए थे। तो मैं डेली जलाती नहीं हूँ, ऐसे कुछ स्पेशल ओकेशन होता है तो मैं जला देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। वैसे तो आप लोग देख ही चुके हैं मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आप लोगों को कि आज कैसा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, ये है मेरी दुनिया। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आई हूँ। आज 29 जनवरी है और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ डाला नहीं है, और मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ मैं आपको बता दूँगी कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। इसमें मैं इसको एज ए बर्थडे ब्लॉग ही रखती हूँ। तो आज 29 जनवरी है और मेरा बेटे का बर्थडे है, तो इस बार उसके कोई फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं। मैंने उसको बोला था कि आप अपने फ्रेंड्स को बुला लो, हर साल उसके फ्रेंड्स आते हैं, ज़्यादा नहीं, ऐसे 5-6 जो घर के आसपास रहते हैं वो लोग आते हैं। तो शाम को थोड़ी सी मतलब गेट टुगेदर पार्टी सॉर्ट ऑफ हो जाता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उसको मन नहीं है। उसने बोला मुझे मन नहीं है, मैं इस बार किसी को नहीं बुलाऊंगा। मैंने उसको काफ़ी बार बोला कि बुला लो बुला लो, बट वो बिल्कुल भी उसको मन नहीं है, तो वो किसी को बुला नहीं रहा है। और तो ठीक है, बुला नहीं रहा तो मैंने सुबह ऐसे ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया था, उसको जो अच्छा लगता है, और लंच बनाया था, लेकिन उसका स्कूल था, सारा दिन स्कूल है, दो दो ट्यूशन होता है ऑनलाइन ही, तो उसी में बिजी रहता है। तो अभी शाम को मैंने उसको बोला ठीक है अभी तैयार हो लो, उसके लिए जो नया ड्रेस लाई हूँ वो पहन लो, और उसके पापा ऑफिस से आएंगे तो मैं केक लेके आई हूँ, तो हम लोग केक काटेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखिए। और इस बार मैंने कुछ खास डेकोरेशन नहीं किया, मैं हर साल काफ़ी अच्छा डेकोरेशन करती हूँ, लेकिन इस बार उसी को मन नहीं है,
तो इसलिए मैंने भी डेकोरेशन नहीं किया, बस थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे का वो लगा दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को लास्ट ईयर का फोटो शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर का डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से केक कटिंग शेयर करूँगी। बस कोई नहीं है, हम तीनों ही करते हैं आज, तो बने रहिएगा। और ये सारे फ़ोटोज़ लास्ट ईयर के हैं, लास्ट ईयर उसके बर्थडे का है। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन किया था सिल्वर एंड येलो कलर के बेलून से, क्योंकि मेरा कर्टेन भी उसी कलर में होता है, येलो एंड वाइट में। और इस साल भी मैंने बोला था उसको बेलून फुलाने के लिए, बट मेरे बेटे ने नहीं फुलाया। उसको पता नहीं क्यों इस बार इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाया, तो इसलिए इस बार बेलून लगाना नहीं हुआ। और मुझे इतने अच्छे से बेलून फुलाना नहीं आता है, वो फुलाता है। तो ये मेरे लास्ट ईयर के पिक्चर्स हैं। बहुत बढ़िया है। अभी हो रहे हैं रात के 9:30 और हमारा केक कटना हो गया है। एक्चुअली थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि आज मैंने मेरे मम्मी पापा से और मेरी दीदी से और उनके बेटे से वीडियो कॉलिंग में, मतलब व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग बात किया काफ़ी दिनों के बाद। तो जैसे होता है, उनको भी रखने का मन ही नहीं कर रहा था, उनको लग रहा था कि बात करते जाएँ, बात करने से ज़्यादा उनको हम लोगों को देखने में अच्छा लग रहा था। तो पहले मैं दीदी से किया, उनके बेटे से किया, बड़ा है वो काफ़ी, और फिर मेरे मम्मी पापा से किया। ये सब करते करते काफ़ी लेट हो गया, उसके बाद हमने केक काटा और बस हो गया। छोटा सा ही था सेलिब्रेशन, कुछ नहीं। तो चलिए फिर चलती हूँ मैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, और आप सब लोग मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो अच्छा बने, एक अच्छा इंसान बने, मैं उसको एक अच्छा इंसान बना पाऊँ और अपनी ज़िंदगी में वो तरक्की करे। और आप लोग भी बहुत अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मैं
आप लोगों से नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ मैं जल्दी मिलूंगी आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।